नमस्कार दोस्तों, फूड साइक्लोपीडिया में सबको वेलकम। तो मेरा नाम है सुप्रतिम, मैं आज एक नया डिश बनाने के लिए आ गया हूँ। और मेरे को एक मन था मटन खाने के लिए, तो मटन सोचा कि नॉर्मल मटन या कसा मटन हो तो नॉर्मली हम लोग बनाते ही है, आज कुछ अलग बनाया जाए। विंटर का सीजन आ गया है, फ्रेश मेथी फेनुग्रीक लीव जो है वो आ गया है, तो मैंने ले लिया है फ्रेश मेथी मार्केट से और फ्रेश मटन ले लिया है और उससे बनाएंगे मेथी मटन मसाला। तो देखते हैं कैसा बनता है, जुड़े रहिए पूरा रेसिपी के साथ। आप अगर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जो मुझे चाहिए होल गरम मसाला, मुझे चाहिए सरसों तेल, मुझे चाहिए फ्रेश मेथी लीव्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए जिसमें मैंने ले लिया आलमंड ले लिया, कैशूनट ले लिया एंड चार मगज ले लिया मैंने, और मटन है और दही चाहिए मुझे। सरसों तेल में पहले लूंगा बोल में, इसके बाद दही डाल देंगे इसमें सरसों तेल का अंदर में। अभी इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, में मटन का पीसेस जो है वो डाल देंगे। मैरिनेशन के लिए रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर डाल देंगे। अभी मटन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाकी मसाला के साथ, दही के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैरिनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, नमक ऐड कर रहा हूँ मैं, 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर लिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से। मैरिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उसका जो भी कुक होने का प्रोसेस है वहाँ से ही चालू हो जाए, अंदर में अच्छे से मिक्स हो जाए सारा मसाला। अभी इसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो है उसको हम पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद कुकिंग चालू करेंगे। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग कोई भी इसको घर में बना पाए। विंटर का मौसम में ये आपको बना के ट्राई करना ही है, आपका फ्रेंड्स को फैमिली को सबको बना के ट्राई कराइए। अभी मैं प्याज को काट कर लूँगा, तो मैंने ऑनियन को पतला पतला स्लाइसेस करकर काट कर लिया है। अभी हम कुकिंग प्रोसेस चालू करेंगे। अभी हम कढ़ाई में सरसों तेल को डालेंगे, इसको हम थोड़ा गरम करने देंगे सरसों तेल को, उसके बाद हम इसमें तेज पत्ता और गरम मसाला को डालेंगे। अभी हम इसमें तेज पत्ता डाल दिया और गरम मसाला, जिसमें मैंने दालचीनी, शाही जीरा, गोलकी ये सब मैंने डाल दिया। अभी इसमें प्याज डाल देंगे, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा और फ्राई होने दूंगा। एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, रेड मीट को मैरिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं जो प्रेफर करता हूँ पर्सनली कि मैं जब कुकिंग करता हूँ मैं कम से कम 1 घंटा मैं मैरिनेशन में देना चाहता हूँ रेड मीट को। वाइट मीट आधा घंटा ठीक है, लेकिन इसको मैरिनेशन बहुत जरूरी है, उसी से कुकिंग प्रोसेस चालू होता है। तो जो प्याज है उसको मैं फ्राई कर रहा हूँ और थोड़ा मुझे गोल्डन ब्राउन चाहिए, लाइट गोल्डन चाहिए, ब्राउन तो नहीं चाहिए, लाइट गोल्डन चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मटन को इसमें ऐड करके भुनेंगे। तो मैंने जैसा जिंजर गार्लिक पेस्ट सारा मसाला डाल दिया है और मैं ज़्यादा उसमें मसाला ऐड नहीं करूँगा। मैं ऑनियन मेरा रेडी हो गया था, अभी मैरिनेशन जो मटन था 1 घंटा मैरिनेट हो गया था उसको मैंने डाल दिया। तो अभी अच्छे से भुनेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे जितना हो सके पके, उसके बाद मैं पानी और बाकी चीज़ ऐड करूँगा। तो ड्राई नट्स वाला इसको मैं ऐड करूँगा इसमें, लेकिन थोड़ा देर बाद, फिर 40% यहाँ पे कुक हो जाए उसके बाद मैं बाकी चीज़ ऐड करूँगा। तो इसको अभी कुक होने देंगे, थोड़ा इसको कवर कर लेंगे और उसके बाद इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये मटन अभी कुक हो रहा है, टाइम तो और लगेगा। अभी इसमें
जो मैंने नट्स था एसॉर्टेड नट्स, जिसमें मैंने कैशू नट लिया था, चार मगज लिया था, उसको मैं ऐड कर दिया इसमें। मेथी अभी टाइम लगेगा, मेथी लास्ट में ऐड करेंगे, एकदम लास्ट में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी मटन करी कुक हो रहा है, इसको बनाना है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मटन बहुत अच्छे से कुक हो गया है, मटन का जो पीसेस है, ग्रेवी बहुत सुंदर टेम्पटिंग लग रहा है, एकदम खाने का मन कर रहा है, और इसका जायका भी बहुत सुंदर आ रहा है, खुशबू एकदम भर के आ रहा है, और गरम मसाला का जो खुशबू है बहुत अच्छे से आ रहा है। अभी क्या करेंगे, जो मेथी फ्रेश मेथी लीव है, फेनुग्रीक लीव है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। उसको अच्छे से वॉश करके मैंने रखा है, अभी उसको क्या करेंगे इसके साथ ऐड करेंगे, और उसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, उसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो क्या होगा, ये एकदम अच्छे से पक जाएगा, और मेरे को मेथी का जो स्मेल है वो मुझे चाहिए, मेथी का जो फ्रेश मेथी का जो स्मेल है उसके साथ मटन, वो मुझे चाहिए। देख सकते कितना अच्छे से इसको मिक्स हो रहा है, और इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है, सिर्फ उसको थोड़ा पकाना है, बस पका के छोड़ देना है। मुझे फ्रेश मेथी का स्मेल चाहिए, जो ये रेसिपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो ये स्पेशलिटी है ये रेसिपी का। तो ये वाला रेसिपी आप घर में बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। देख सकते हैं कितना अच्छे से कुक हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दोनों कलर एक साथ। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला मैंने जो बना के रखा था उसको ऐड करेंगे। इसके अंदर में सब कुछ है, इसके अंदर में इलायची है, दालचीनी है, तेजपत्ता है, लौंग है, शाही जीरा है, जायत्री है, जायफल है, बहुत कुछ है इसमें। तो इसको हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। ये मेरा डिश बन गया है ऑलमोस्ट, देख सकते हैं ऑलमोस्ट बन गया है। मेथी लीव भी कितना फ्रेश लग रहा है एकदम। आप अगर चाहेंगे तो मटन को थोड़ा प्रेशर कुकर में कर सकते हैं, तो क्या होगा आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी होगा। फ्रेंड्स मैंने जैसा बोला था मेथी मटन मसाला बन गया है, तो इसको ट्राई करेंगे कैसा है। इसका जो रिचनेस है, जो ग्रेवी का रिचनेस है, बहुत ही सुंदर है। एक एक गरम मसाला का जो स्पाइसेस है वो आ रहा है, एक एक फील हो रहा है। मटन भी बहुत अच्छे से कुक हुआ है, बहुत सुंदर बना है। फ्रेश मेथी लीव्स का जो फ्रेशनेस है वो आ रहा है, मेथी का पूरा खुशबू आ रहा है, गार्लिक आ रहा है, आलमंड जो दिया था जो मैंने उसके लिए, बहुत ही रिच बना है ये, बहुत सुंदर बना है। सरसों तेल का फ्लेवर आ रहा है कि इसमें सरसों तेल से बनाया था। ब्यूटीफुल डिश है ये, बहुत ही अच्छा डिश है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और विंटर में स्पेशल इसको खाइए, क्योंकि मेथी लीव जो है, फेनुग्रीक लीव, आपको पूरा साल नहीं मिलता है। मुझे बहुत पसंद आया, आप भी खाइए, खा के मेरे को बोलिए कैसा लगा। थैंक यू।